Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 9, Fundamentals of Trigonometry. जी यहाँ पे एक लफ्ज आया है trigonometry. Trigonometry का जो वर्ड है वो थ्री ग्रीक लेटर से मिलके बना है. वो थ्री ग्रीक लेटर क्या है? ट्री मीन्स थ्री, गोनी मीन एंगल्स, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट्स. ठीक है, मतलब एक ऐसी शेप जिसमें थ्री एंगल्स हों उसकी हम मेजरमेंट्स करेंगे. ठीक है, जैसा कि ट्राई एंगल, उसमें थ्री एंगल्स होते हैं तो हम थ्री एंगल्स की मेजरमेंट्स करेंगे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज आया एंगल्स. ये एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पे आप देखें एंगल्स की बात जरा कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, एंगल्स यहाँ पे क्या होते हैं? देखें, आपके पास यहाँ पे एक रे है. ठीक है, इसको कहते हैं इनिशियल रे. इसी तरह से एक आपके पास जो है एक टर्मिनल रे है. ठीक है, इनिशियल और टर्मिनल का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओ है. ठीक है, अगर मैं इनिशियल और टर्मिनल के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं तो मुझे इनके दरमियान क्या फाइंड करना होगा? एंगल. ठीक है, तो एंगल यहां पे हमने जो है यहां पे फाइंड करना है अभी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अगर यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल फाइंड करते हैं तो ये एंगल आएगा पॉजिटिव. ठीक है, और अगर हम ये एंगल जो है ये क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो क्लॉकवाइज एंगल आपके पास क्या होगा? नेगेटिव. घड़ी की डायरेक्शन जो है हमेशा नेगेटिव होती है. मैं यहां पे लिख भी देता हूं एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज मेजरमेंट नेगेटिव एंगल. ठीक हो गया. तो ये तो हो गया कि अगर हम जो है ये तो हो गया कि हम एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं. एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट जो है वो पॉजिटिव होगी और क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव होगी. ये तो हो गई मेजरमेंट. ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखें आप. यहाँ पे ये आपके पास एक इनिशियल रे है और ये आपके पास एक टर्मिनल रे है. ठीक है, अगर एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ठीक है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो आपके पास होता है पॉजिटिव. ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक इनिशियल रे है इस तरह से. मतलब अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल हम मेजर करेंगे, देखें हम एंगल हमेशा इनिशियल से टर्मिनल की तरफ मेजर करते हैं, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ. तो यहाँ पे जो एंगल मेजर होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्फा से, इस एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं बीटा से. ठीक है, इसी तरह एंगल आपके पास क्या होते हैं? गैमा एंगल होते हैं. ठीक है, इसको गैमा रीड करते हैं. थीटा होता है. ठीक है, इसको हम थीटा रीड करते हैं. अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, ये सारे जो हैं ये एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, अच्छा, लेकिन एंगल की रिप्रेजेंटेशन भी हो गई, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, लेकिन एंगल हम एंगल का यूनिट क्या होता है? ठीक है जी, एंगल का यूनिट हमने यहाँ पे देखना है. मतलब हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल. एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री या रेडियन. ठीक है, डिग्री में मेजर करते हैं या रेडियन में मेजर करते हैं. ठीक है, आपके पास एक सिस्टम होता है, डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स. ठीक है, इस सिस्टम को कहते हैं जी सेक्सागेसिमल सिस्टम. ठीक है, इस सिस्टम को कहते हैं जी सेक्सागेसिमल सिस्टम. देखें,
आपके पास एक रे है, आपके पास एक रे है, ठीक है, ये आपके पास एक रे है। अगर इस रे को हम क्या करते हैं, देखें इस रे पे अगर हम एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, मतलब एक अगर हम पूरी एक इस रे पे पूरा घूमते हैं, पूरी रोटेशन कवर करते हैं, तो ये पूरी रोटेशन जो होती है ये 360 के इक्वल होती है, ठीक हो गया। और अगर हम क्या करते हैं, पूरी रोटेशन कवर नहीं करते, हम सिर्फ यहां से लेकर यहां तक रोटेशन कवर करते हैं, सिर्फ यहां तक, ठीक है। चलिए यहां पे इसको ऐसा करता हूं, सेपरेटली बना के दिखा देता हूं। यहां पे अगर हम इस तरह से रोटेशन कवर करते हैं, मतलब हाफ से, मतलब ये तो कंप्लीट थी ना पूरी, मतलब या तो हम ऊपर से कवर कर लें या हम नीचे से कवर कर लें, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन है। अगर हम हाफ रोटेशन कवर करते हैं तो जो हाफ रोटेशन होती है ये 180 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर हम इस हाफ की भी हाफ करते हैं, मतलब कितनी, ये कितनी रोटेशन, ठीक है, तो ये रोटेशन आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90, मतलब इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ये इतनी, ये रोटेशन कितनी हो जाएगी 90। मैं चले यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वन रोटेशन जो है ये 360 के इक्वल होगी, ठीक है। अगर मैं वन को हाफ कर दूं, हाफ रोटेशन कर दूं, तो 1/2 रोटेशन यानी कि 360/2 ये कितनी हो जाएगी आपके पास 180, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देखें, ये वन रोटेशन है, ये हाफ रोटेशन है, और ये हाफ का भी हाफ है, यानी कि हाफ का भी हाफ, ठीक है, तो हाफ का भी हाफ रोटेशन जो है ये किसके इक्वल होगा आपके पास, मतलब 180 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 90। इसको 1/4 रोटेशन भी कहते हैं, 1/4 जो रोटेशन होती है ये कितनी होती है, 1/4, ठीक है, ये 1/4 आपके पास होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो एक बात फिर यहाँ पे कंफर्म होगी कि 1 रोटेशन जो है ये 360 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है, और जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, मिनट के लिए हम बार का इस्तेमाल करते हैं, और जो 1 आपके पास मिनट होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। 1 रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होती है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मजीद फॉर्मूलाज देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है हमने यहाँ पे, जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद देगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या है यहाँ पे। अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, ठीक है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो आपने क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, अगर हमें गिवन है 15 डिग्री क्वेश्चन, 15 डिग्री मैं आपको कहा इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, इसको तो आप 3 का टेबल पे कट कर दें, 3 5 द 15 और यहाँ पे 3 बच जाएगा, बल्कि हम इसको ऐसे करते हैं कि 5 के टेबल पे 5 3 द 15 5 3 द 15, ठीक है, और 3 बचेगा 5 6 द 30, 3 1 द 3 3 2 द 6, ये आ जाएगा पाई बाय 12 रेडियन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए जी रेडियन से आपने जाना है, रेडियन से किसमें, डिग्री में, तो रेडियन में डिग्री से आपने किस तरह से जाना है, आपने नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 180/π से, ठीक है, मतलब यही अगर सवाल आपके पास आ गया जी, एग्जाम्पल आ गई है यही कि पाई बाय 12 रेडियन है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो आपने क्या करना है पाई बाय 12 मल्टीप्लाई 180/π, यहाँ से पाई पाई वाली फॉर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 1 द 12, ठीक है, साथ में 6 बचेगा और 12 5 द 60, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जरा देखें नेक्स्ट कुछ बातें मजीद, अगर आपने जाना हो मिनट टू डिग्री, ठीक है, अगर आपने मिनट से डिग्री में जाना है तो आपने नंबर को क्या कर देना है जी 60 पे डिवाइड कर देना, ठीक है, तो नंबर सारा किस में चला जाएगा, डिग्री में। फॉर एग्जांपल जी आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जी यहाँ पे
25 मिनट, ठीक है। आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपने 25 को 60 पर डिवाइड करना है, ये सारा डिग्री में चला जाएगा। ये 25 के टेबल पे कट रहा है, 5 के टेबल पे कट रहा है, 5 5 20, ठीक है, 5 1 5 into, 5 2 10, ठीक है, तो ये 5/12 डिग्री आ गया, ठीक है, 5 के टेबल पे मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। और अगर आपने रिवर्स आना है, मतलब डिग्री टू मिनट, ठीक है, तो वापस मतलब आपने अगर जाना है तो अभी देखिए आपने क्या किया, डिवाइड किया नंबर को, ठीक है। अब आप नंबर जो भी हमारा होगा उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वापस हम किस में चले जाएंगे, मिनट में। मिनट के लिए हम क्या करते हैं जी, बार का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल आ गई है डिग्री वाली, मतलब आपके पास सवाल आ गया 5/12 डिग्री, ठीक है, इसको आपने मिनट में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे 5/12 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये किस में चला जाएगा, मिनट में, ठीक है। अब आप इसको क्या करें जी, काटें, ये आपके पास आ जाएगा 12 5 10 60, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 25 मिनट। तो ये कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट से डिग्री में जाने के लिए नंबर को 60 पर डिवाइड करेंगे डिग्री में चला जाएगा, और अगर डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को तो ये मिनट में चला जाएगा। डिग्री के लिए ये छोटा सा जीरो इंडिकेट करेंगे और ये मिनट के लिए हम इस बार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें चले जाएंगे जी, बार अगर लगाते हैं तो मिनट में, डिग्री हम जीरो लगाते हैं तो डिग्री में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने देखनी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रूफ भी देखना है, ठीक है, जिसको हमने एक्सरसाइज में यूज भी करना है, ठीक है जी, वो आपने यहाँ पे जरा देखना है। सर्कुलर सिस्टम, टॉपिक का नाम है जी सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, या इसको रेडियन भी कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन, इसको आपने यहाँ पे समझना है, ठीक है। हमने जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ यहाँ पे देखना है, प्रूफ दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है, इसको हमने देखना है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं जी, एक सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, सेंटर से सर्कल की जो बाउंड्री है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास रेडियस कहलाता है। इसी तरह सेंटर से आप यहां तक का डिस्टेंस भी अगर निकाल लेते हैं तो ये भी आपके पास रेडियस के बराबर है। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस के बराबर होता है आपके पास, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप जरा देखें, ये हम क्या कह लेते हैं जी, इसको हम ओ पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज सेंटर है ये हमारा, ठीक है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। सेंटर से इस पॉइंट तक का नाम हम ए रख लेते हैं और सेंटर से इस पॉइंट तक का नाम हम बी रख लेते हैं। अगर हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना हो, इतना डिस्टेंस, मतलब हमने ए से बी का डिस्टेंस निकालना हो, तो हम क्या कहेंगे जी, ये यहाँ पे देखें, ये अगर हमने इस मतलब ये अगर आपके पास इनिशियल लाइन है और ये आपके पास अगर टर्मिनल लाइन है, इनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इनके दरमियान आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि थीटा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ए से बी तक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए से बी तक, असल में हम क्या करना चाह रहे हैं जी, ए से बी तक की टोटल लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये आपके पास जो है ए से बी तक इस आर, ये आपके पास एक आर्क है, यानी कि ये आपके पास एक लेंथ है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 रेडियस है, तो सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी 1 रेडियस है, तो आप अब ये बताएं, तो ए से बी तक का डिस्टेंस आपके पास, यानी कि ए से बी तक की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी होगी, ये चीज हमने यहां पर बतानी है। तो देखें देखें, अगर हम कह रहे हैं जी, मतलब मैंने अगर 1 रेडियन को इंडिकेट करना हो, 1 रेडियन को, 1 रेडियन जो है वो इक्वल होगा 1 into r के, r का मतलब रेडियन। अगर मैंने हाफ रेडियन डिस्कस करना हो इस क्वेश्चन में, तो हाफ रेडियन क्या होगा, 1/2 into r। अगर मैंने थीटा रेडियन डिस्कस करना हो, रेडियन का मतलब यहाँ पे असल में r है, तो थीटा इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख भी देता हूँ, 1 रेडियन सबटेंट एन आर्क ए बी इज इक्वल टू 1 into r, ठीक है। हाफ रेडियन अगर बनता है, ठीक है, अगर हम हाफ रेडियन को डिस्कस करें, सबटेंट एंड आर्क ए बी इज इक्वल टू 1/2r, ठीक है। अगर ये 1 रेडियन है तो 1 into r, अगर ये हाफ रेडियन है ए बी तो हाफ इंटू आर, और अगर थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन
subtends an arc AB. तो ये बन जाएगा थीटा इनटू आर. अब थीटा रेडियन से क्या मुराद है कि ये वाला एंगल मतलब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस. अब डिस्टेंस आप देखें, ये जो डिस्टेंस है ए बी का, डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया, एल से. तो ये थीटा रेडियन जो है ये एल है, एल इज इक्वल टू थीटा आर, और यहां से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा एल ओवर आर. तो यही आपने यहाँ पे प्रूव करना था. यहाँ पे जो थीटा है, थीटा वो यहाँ पे आपका एंगल है, ठीक है. L जो है वो आपके पास असल में यहाँ पे लेंथ है, और जो R है यहाँ पे आपके पास क्या है, रेडियस. अगर मैंने यहां से L निकालना हो, L तो R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, L इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है. और अगर मैंने यहां से R निकालना हो तो थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, L ओवर थीटा. तो ये जो तीन फॉर्मूले आपने जुबानी याद करने हैं क्योंकि हमने इनको क्वेश्चंस में भी यूज करना है. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 9 का. तो यहाँ पे फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे.